और अगर जब दूसरी बार रत्निंग में आऊँगी ज़रूर इस जगह मैं विजिट करूँगी करूँगी देखी मिट्टी। तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, उसके बाद गाड़ी में जाके फिर दूसरी कौन सी प्लेस है वहाँ पर जगह के साथ बात करती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं टी गार्डन में, देख सकते हैं अभी जो व्यू है काफी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अभी हम लोग जाएंगे टी गार्डन के अंदर। पूरी है यहाँ की दार्जिलिंग की जो फेमस टी है, दार्जिलिंग टी, वहाँ की गार्डन है, काफी ज्यादा खूबसूरत एक प्लेस है। देख सकते हैं पूरी एरिया में है ये टी गार्डन, काफी ज्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं। देख सकते हैं फेमस दार्जिलिंग की जो चाहे ये उसकी गार्डन है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे पूरी गार्डन के अंदर, मतलब नीचे मेन जो गार्डन है वहां पे। यहाँ की जो रोड है ये काफी खतरनाक वाली रोड है, देख सकते हैं काफी खतरनाक वाली रोड है। देख सकते हैं पूरी जो एरिया है इसमें है, पूरी एरिया में है टी गार्डन। वाटर ब्यूटीफुल सा प्लेस, इसमें और कोई जगह नहीं है, मतलब यह सिर्फ टी गार्डन ही है। यहाँ आपको पूरी ही ऐसी पूरी जगह में ऐसे टी गार्डन मिल जाएगी, यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ टी गार्डन है, पूरी प्लेस में टी गार्डन है। हम लोग यहाँ से निकल के और प्लेसेस विजिट करेंगे, फिलहाल यहाँ पे और कुछ नहीं है, अभी निकल गई कि काफ़ी लेट हो गई है और काफ़ी सारे प्लेसेस विजिट भी करनी है और कभी खाना भी खाना है। और मेरे कैमरे की जो चार्ज है वो भी लगभग ख़त्म होने वाली है, तो मैं देखूँगी कि चार्जिंग प्लेस मिलती है या नहीं मिलती है, नहीं तो मुझे दूसरी फ़ोन से शूट करना पड़ेगा। तब भी शूटिंग की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं आई है कि उस फ़ोन में शूटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तब मुझे इस फ़ोन से शूटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन देखती हूँ अगर मुझे चार्जिंग के लिए कोई पॉइंट मिलती है तो वहाँ पर करूँगी मैं चार्ज। तो अभी और नीचे नहीं जाऊंगी क्योंकि पूरी नीचे सेम ही है, देख सकते हैं पूरी नीचे सेम है, तो और नीचे नहीं जाऊंगी, यहाँ से ऊपर चली जाऊंगी क्योंकि और नहीं है कुछ, ऐसे सेम टी गार्डन है दिखने के लिए और कुछ नहीं है। तो अभी ऊपर जाते हैं फिर दूसरे प्लेस विजिट करते हैं, तो आप लोगों से मिलते हुए दूसरे प्लेस में, टिल देन बाय। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि पूरी जो एरिया है टी गार्डन ही और कुछ नहीं है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे, तो अभी यहाँ से निकलेंगे उसके बाद दूसरे प्लेस में जाएंगे, उसके पहले खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। और अभी मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, ज़ीरो हो गई है चार्ज, तो फ़ोन में चार्ज देंगे फिर खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे दूसरे प्लेस में। तो अभी गाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं फिर दूसरे प्लेस में क्योंकि काफ़ी ऊँची है, तो और नीचे हम लोग नहीं गए क्योंकि जितने नीचे जाएंगे उतने ही उठने में तकलीफ़ होगी, इसलिए अभी इतने ही आए हैं। देख सकते हैं
पूरी ऊंचाई, मतलब माय गॉड। तो अभी उतने ऊपर तक जाएंगे, फिर गाड़ी में जाएंगे, फिर दूसरे प्लेस में जाएंगे, तो तब दूसरे प्लेस में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तो अभी हम आए हैं पीस पैगोडा में। यहाँ पर दोनों ही है, मतलब यहाँ है जापानीज टेम्पल और वहाँ पर है पीस पैगोडा। फर्स्ट हम जाएंगे जापानीज टेम्पल में। ये है जापानीज टेम्पल। तो अभी हम अंदर जाएंगे। चलो भीतर। तो ये है जापानीज टेम्पल। काफी ज्यादा पीसफुल एक प्लेस है, काफी ज्यादा पीसफुल है। हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। यहाँ की जो साइड व्यू है ये भी काफी खूबसूरत है। देख सकते हैं कि साइड जो व्यू है काफी खूबसूरत है। ये जो जापानीज टेम्पल और इसके पास में ही है पीस पैगोडा। तो अभी हम जा रहे हैं पीस पैगोडा में। ये जो जगह है ना काफ़ी पीसफुल एक जगह है, मतलब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी जो माइंड और जो दिल है ना पूरी रिफ्रेश हो सके, क्योंकि बहुत एक बहुत पीसफुल सा प्लेस है। देख सकते हैं हम लोग जाएंगे ऊपर पीस पैगोडा में। तभी हम लोग जाएंगे वहाँ ऊपर में। पीस पैगोडा काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी हम लोग पूरे ऊपर तक जा रहे हैं। फिर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स है और यहाँ पर हमको चप्पल खोल के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ऐसे दोनों तरफ एक पैसेज मिल जाएगी जहाँ से यहाँ से फिर ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पूरी ऊपर तक।
देख सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, तो मैं अभी जो पैसेज से वहाँ पर जा रही हूँ, दोनों तरफ ही है, ऐसे राउंड में आती है पैसेज। आपको पैसेज में ऐसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से मूर्ति भी मिल जाएगी, और पूरी यहाँ पर आपको इस तरह की काम मिल जाएगी वॉल में। और यहाँ से सामने आपको पूरी नीचे की व्यू भी मिल जाएगी, देख सकते हैं। हमको यहाँ पर भी एक बुद्ध का मूर्ति मिल जाएगी, और बाकी पूरी पैसेज में ऐसे वॉल पेंटिंग है, मतलब वॉल में काम है, ऐसे बुद्ध की जो जन्म है, जन्म से मृत्यु तक पूरी ऐसे वॉल में क्या हुआ है। और यह रहा पूरी पैसेज की व्यू। तो भी हम ऐसे अभी नीचे जा रहे हैं दादा मम्मी, तो अभी हम नीचे जाएंगे, उसके बाद ऐसे निकल के खाना खाएंगे, फिर जाएंगे जू में, क्योंकि मेरा जो कैमरा का चार्ज है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, चार्ज और नहीं है। तो पहले चार्ज में डालूँगी फ़ोन को, कोई रेस्टोरेंट में जाऊँगी वहाँ पे चार्ज में डालूँगी, फिर मैं दोबारा व्लॉग करूँगी जू की। देख सकते हैं पूरी जो व्यू है, वाओ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति भी है, देख सकते हैं पूरी जो पैसे से बिल्कुल कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, दार्जिलिंग में आ गए तो पीस पैगोडा में अब ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि पूरी पीस पैगोडा में आपको पूरी पीस मिलेगी, काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम लोग नीचे चले जाएँगे, उसके बाद खाना खाएँगे। इधर खा लिया, तो फिलहाल हम ऐसे निकलेंगे, उसके बाद खाना खाने चलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं जू की जो व्यू है वो, तो उसके लिए वीडियो पर बने रहेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो चार फ्रेंड्स है वो पीछे है, उन लोगों का थोड़ा टाइम लगता है घूमने के लिए, तो हम दो पहले जा रहे हैं गाड़ी में, फिर डिसाइड करते हैं कि खाने के लिए कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि मेरी फ़ोन में चार्ज बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, तो चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं व्लॉग कर पाऊँगी, तो इसलिए पहले गाड़ी में जाते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, उसके बाद लोगों के साथ मैं बात करती हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं जू पे, मेरी जो कैमरे की बैटरी है वो बिल्कुल डेथ है, तो अभी मैं दूसरी फ़ोन से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कैमरे की बैटरी है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब आएगी, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना उसे, मैं दोबारा चार्ज में डाल के उसको फिर से रिचार्ज कर मैं फिर से रिचार्ज में डाल के उसको एडजस्ट कर लूँगी। तो अभी हम लोग एंट्री हो गए हैं जू के अंदर, अभी मैं कैमरा चेंज कर लूँगी, क्योंकि मेरा इस कैमरे में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो अभी मैं मोबाइल से करूँगी व्लॉगिंग, तो थोड़ा सा जो क्वालिटी है थोड़ी सी आएगी बुरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जू के अंदर, अभी जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब आएगी, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़ोन से शूट कर रही हूँ, मेरी जो कैमरे की बैटरी है, मतलब एप्पल की जो आईफोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेथ हो चुकी है। सोचा था कि खाना खाने के बाद जू पे आऊँगी, तब वो चार्ज में डाल दूँगी, लेकिन खाना खाने के लिए अभी तक नहीं गई हूँ, क्योंकि भैया ने बोला था कि अगर खाना खाने जाऊँगी तो जू बंद हो जाएगी, इसलिए पहले हम लोग जू घूम लेते हैं, उसके बाद ही खाना खाएँगे। तो आपको पूरी जो जू की जो व्यूज है वो आपको दिखा देती हूँ।
अभी हम लोग बहुत ज्यादा गधे थे क्योंकि हम लोग बीच में से जा रहे थे, हमको नहीं पता था कि इसके नीचे यहाँ पर हमको सब कुछ मिलेगा। भेड़ा, ये भेड़ा, चमड़ी गई है। একই তো সব, এটা পাকিস্তান দেখো ওই যে বোর্ড। मुंह ही है दूसरी तरफ, पिछवाड़ा देके बैठी है। दिशा जूते हाथ में पकड़ना है सिर्फ लेना हो, बोलना मैं। हाँ जूते भी पकड़। ये सिंकटा उरिन, ये फोड़े ये बार्टन। ना मैंने सेफ हो चुका, तो यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर जाएंगे तो आपको इतना सारा पॉइंट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो हम पहले यहाँ पर जाते हैं सीधा, तो यहाँ पर है द माउंटेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उस तरफ भी हम जा रहे हैं। क्वालिटी पता है थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रहा है, क्या ही करे, नहीं सो फिर क्या ही करे, क्योंकि बैटरी जो है वो डेथ है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि चार्ज में डालूँ, लेकिन खाना खाने के लिए अभी तक नहीं गई, तो कैसे चार्ज में डालती, तो इसलिए मजबूरन मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ। म्यूज़ियम, तो यहाँ पर हमको ऐसे बंजी जंपिंग, छोटू सा बंजी जंपिंग मिला है, बंजी जंपिंग ना रोप टू रोप। प्लीज 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 ये है रोप कोर्स, चूँकि इस रोप से उस तरफ जाती है, और वहाँ पे शायद है माँ, वहाँ पर शायद है बंजी जंपिंग, देखते हैं। तो फिर एक ही हमें करब ना, तो कम जा रहा है इसे। हाँ तो ये सिर्फ एक रोप ही था, तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने मनाली में ये बड़ा साइज़ में किया था। यहाँ पर बंजी जंपिंग नहीं है, सिर्फ यही है, और यहाँ पर काफ़ी सारा एक्टिविटीज मिल जाएगी आपको, देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी है, शायद लाइट भी अच्छे से कैप्चर नहीं होगा क्योंकि इस फ़ोन की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, सामने नो एंट्री, इन्हें आलादा तुम शो। देखिए नाचा शुरू ना, देखिए नाचा शुरू, ठीक है चल दीदी क्या। ओह सॉरी सॉरी, मार दीब ना। तो यहाँ से हम लोग ऊपर आए,
तो अभी ऊपर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जय माता का मंदिर भी मिल जाएगी। फिर ऊपर है मिस घास नंबर। फिर ऊपर है म्यूज़ियम। यहाँ से ऊपर है म्यूज़ियम। अगर म्यूज़ियम में टिकट नहीं लगती है तो हम जाएंगे, अगर टिकट लगती है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे म्यूज़ियम विज़िट कर चुके हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको पूरा तो यहाँ पर आपको स्टोर से मिलेगा, लेकिन प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई से। आपको यहाँ पर स्टोर से मिल जाएगी जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप जाते हो तो, और यहाँ पर आपको एक फूड कोर्ट भी मिल जाएगी। यहाँ से देखते हैं क्या व्यू मिलती है हमें। ऐसे नीचे कुछ भी नहीं है, सब उधर सब जंगली है इधर पे। तो हम अभी यहाँ से निकलेंगे। म्यूज़ियम के अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई अंदर। तो नहीं तो मैं दिखा देती कि अंदर क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ें थी। तो अभी म्यूज़ियम से निकल रहे हैं हम, निकल के ज़ू विज़िट करेंगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज सोच रही थी कि चावल खाएँगे, देखते हैं चावल मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन चावल ही खाएँगे शायद, तभी पहले नहीं तो मर जाएंगे। तो अभी पहले हम उतरते हैं नीचे, फिर ज़ू के विज़िट करते हैं, उसके बाद गाड़ी वाले भैया हम लोगों को लेके जाएंगे खाना खाने के लिए। प्रोग्राम हमको मिली एक शॉर्टकट रोड। तो हमारे एक बैड लक है कि हमने सोचा था कि रोपवे में जाएंगे, लेकिन रोपवे की जो टिकट की लाइन है वो सुबह 7 से स्टार्ट होती है। हम लोगों को नहीं पता था, इसलिए हमने लाइन नहीं दिया था। तो अभी तो शायद रोपवे बंद भी हो चुकी है, 3:30 बजे तक बंद हो जाती है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर ज़ू में, ऊपर है ज़ू। तो अभी हम ऊपर जाएंगे। आप लोगों को मैं इस ब्लॉग में पूरी ज़ू की जो क्या क्या है ज़ू में, क्या क्या मिलेगा, आपको सभी दिखाऊंगी। लेकिन वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, क्योंकि मेरी जो बैटरी था कैमरे की वो ख़त्म हो गई, इसलिए मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐसा होगा कि ऐसा हेजी आ सकती है या फिर ऐसी आ सकती है, क्योंकि इस फ़ोन में मेरी स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो शायद वीडियो उतना स्टेबल नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी वीडियो स्टेबल करने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे ऊपर ज़ू की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान भी दिया हुआ है कहाँ से आपको जाना है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर। तो यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट। सामने हमको मिलेगी लेपर्ड। कैसे बैठा देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे लेपर्ड भी मिल जाएगी। यहाँ पर है ब्लैक पैंथर, देख सकते हैं। ये सो गई, हम लोग आए सो गई।
हम अभी जाएंगे और ऊपर। सिल्वर फिजन रोजियत लगेगा अपने को इट्स अबाउट टू क्रिसमस। तो यहाँ पर भी एक म्यूजियम है, यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। शायद यहाँ पर भी वीडियो अलाउ नहीं होगा, देखते हैं, अगर अलाउ होगा तो कर लेंगे। तो अभी हम लोग म्यूजियम से निकल गए हैं, अभी जाएंगे जू की, मेन जू की तरफ, क्योंकि म्यूजियम की जो व्यू है वो ख़त्म हो गया। मतलब वहाँ पर भी हम लोगों को वीडियो करने की परमिट नहीं था, मतलब म्यूजियम के अंदर आप वीडियो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो अभी बाकी जो जू है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो हमको दोनों मेल है, ये दोनों 16 साल का है, वो 27 महीना का है। कितना? 27 महीना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो यहाँ का जीवन खत्म हो गई है। जर्मन शेफर्ड होंगे, एक यहाँ पर आपको ऐसे बंदर मिल जाएंगे। देख सकते हैं, तो यहाँ पर काफी सारा बंदर था। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ से स्टार्टिंग किया था हमने, तो अभी नीचे जा रहे हैं। फिर ऑपोजिट साइड में है पक्षी, अभी जूर बंद होने का टाइम हो गया है, पता नहीं पक्षी की हम जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, कि जा पाएंगे तो मेरे साथ वो शेयर करें। हेलो तो यहाँ पर एक भालू भी था जो भी अंदर चली गई, चली गई या चले गए वो भी अंदर चली गई। अभी नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी ऐसी छोटी छोटी रेड पांडास जो काफी ज्यादा क्यूट है, काफी क्यूट है।